Okay, we are going to see the next 10 questions of HCV 1 chapter 3 motion and rest. So question number 31 dekhte hain. An elevator descending with a uniform acceleration. To measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin. At the moment elevator starts, the coin is 6 feet above. 6 feet above the floor of the elevator at time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator. So, देखो इसमें क्या है, ये elevator है, suppose ये A से नीचे आ रहा है, है ना? क्वाइन तो फ्री फॉल होगा जी से, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसका एक्सलेशन जी माइनस ए हो जाएगा. सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जी माइनस ए, अगर लिफ्ट ऊपर आती तो जी प्लस ए होता, तो माइनस हो गया. लिफ्ट के रिस्पेक्ट में उसको 6 ट्रेवल करना है और टाइम निकाल लेंगे इसका, टाइम भी दिया है इनफैक्ट इसके. लिफ्ट के रिस्पेक्ट में 6 सेकेंड लग रहा है उसको, 6 फीट है, टाइम 1 सेकेंड लग रहा है. तो इसमें वैल्यू पुट करके वी कैन फाइंड आउट. तो यहाँ पर सब वैल्यू दी है, ये एंड एक्सलेशन इन फीट एक्चुअल में क्या होता है, जी की वैल्यू 32.2 फीट पर सेकेंड. तो इसको हम 32 लेके सॉल्व करें, अलग फीट में 32 आता है और SI में 9.8 है. ऑल राइट, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. बॉल इज थ्रोन ओरिजेंटली फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड विद 20. फाइंड टाइम टू टेक टू रीच टू ग्राउंड. तो इसमें वर्टिकल कंपोनेंट्स मैटर करते हैं, इसमें ऐसा लिख सकते हैं इसको. देखो y इज इक्वल टू हाफ ए वाई टी स्क्वायर. तो y जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव ले ली, तो ये y भी पॉजिटिव, g भी पॉजिटिव. तो y ऊपर से नीचे है, माइनस होना चाहिए, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली. तो ये 100 है, हाफ और 10t² यहाँ से t आ जाता है. डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव लेंगे, ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर भी आंसर पॉजिटिव में ही आता है. ऑल राइट, देन बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड. हॉरिजॉन्टली 20 से प्रोजेक्ट किया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, तो 20 इंटू टाइम टेकन है ना. जैसे सपोज ये यहाँ पे मैंने लास्ट डायग्राम ऐसे है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया हुआ हिटिंग लाइक दिस ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, यू इंटू टी यू 20 ही रहेगा, वर्टिकल ऐड हो जाता है. इंटू 4.5 टाइम निकाला जो हमने, 90 मीटर अवे है ग्राउंड उससे. द वेलोसिटी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड. तो इसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ये वाला यहाँ पे सपोज हिट कर रही है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यही रहने वाला है जो दिया है. वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हाइट के रिस्पेक्ट में ये वाला फार्मूला लगाएंगे, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए वाई, ए वाई इज जी इंटू एच. तो ये वाला फार्मूले से 2 इंटू 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस ले रखिए, एच 100 है, तो ये तुम्हारा वी वाई हो गया है ना. तो ये वी वाई हो गया और ये वी एक्स जो है तुम्हारा 20 रहने वाला है. तो नेट वेलोसिटी हियर, ये जो वी है, नेट वेलोसिटी विल बी द वेक्टर सम ऑफ दिस वी एक्स स्क्वायर प्लस 90 डिग्री पे दो वेक्टर्स हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये तुम्हारे वैल्यू पुट करने के बाद वेरी क्लोज टू 49 मीटर पर सेकेंड एंगल निकालना है.
एंगल ओरिजेंटल के साथ दिया है, ओरिजेंटल के साथ टेन थीटा विल बी दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तुम्हारा वी वाई है जो कि ये देखो यहाँ से वी वाई जो है अगर हम इसका अंडर रूट लें तो इतना आ जाएगा वी वाई स्क्वायर की वैल्यू है ये। और ये जो यू एक्स है ट्वेंटी गिवन है वो, ठीक है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं, इतना आ जाएगा विच इज़ क्लोज टू 66 डिग्री एंगल। ऑल राइट, बॉल इज थ्रोन एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट, गोल इज अटेम्प्टेड बाई किकिंग द फुटबॉल एट द स्पीड ऑफ दिस मच एट एन एंगल दिस मच, विल बॉल रीच द गोल पोस्ट। तो देखो इसको यहाँ से हिट के गोल पोस्ट की हाइट 10 दी है 10 फीट, तो ये वाला जो फार्मूला होता है पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। अगर y जो है 10 या 10 के 0 से 10 आ गया तो यस 10 से ऊपर है तो ये बाहर निकल जाएगी, और y अगर 0 है तो यहीं गिर जाएगी, 0 है तो यहाँ गिरेगी, और माइनस है और लेस देन 0 है तो पहले गिर जाएगी कहीं, तो y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x जो है यार्ड है तो एक यार्ड में 3 फीट होते हैं तो 120, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 120 इंटू 45 पे एट किया गया 1 हो गया, g की वैल्यू 32 होती है, x स्क्वायर तो 120 इंटू 120 नीचे 2 u स्क्वायर 64 दिया है, ओके 64 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 45 तो 1 बाई रूट 2 तो स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, जब सिंप्लीफाई करते तो y की वैल्यू 7.5 फीट आती है यहाँ कहीं पर, तो इट विल हिट एंड इट विल जस्ट मेक इट टू द गोल पोस्ट, यस लेस देन 10 आ गई ना, मोर देन 0 आ गई, यस। ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखते, ये पॉपुलर गेम ऑफ इंडियन विलेजेस इज गोली विच इज प्लेड विद द ग्लास स्मॉल ग्लास बॉल कॉल्ड गोलीज, द गोली ऑफ वन प्लेयर इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द गोली ऑफ द सेकेंड प्लेयर, दिस सेकेंड प्लेयर हैज टू प्रोजेक्ट हिज गोली बाई कीपिंग द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड एट द प्लेस ऑफ द ऑफ हिज गोली, होल्डिंग द गोली बिटवीन हिज टू मिडल फिंगर्स एंड मेकिंग द थ्रो, इफ द प्रोजेक्टेड गोली हिट्स द गोली ऑफ द फर्स्ट प्लेयर द सेकेंड प्लेयर विंस, इफ द हाइट फ्रॉम द गोली इज प्रोजेक्टेड इज दिस मच सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द गोली इज टू बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, विद वॉट स्पीड शुड इट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट इज डायरेक्टली हिट्स द स्टेशनरी गोली विदाउट फॉलिंग टू द ग्राउंड। देखो यहाँ पर यह सिचुएशन है, यहाँ से हिट किया उसने, यहाँ पर दूसरी गोली है और ये पहली गोली यहाँ से इसने, ठीक है, तो हाइट कितनी दी है 19.60 दी हुई है, ये 2 मीटर में दिया तो इसको इसको
इसको जो है दोनों सेम सिस्टम आप यूनिट में पुट कर देंगे, 19.6 से मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10^-2 से मल्टीप्लाई करके जी की वैल्यू 9.8, एक्स की वैल्यू 2 और यू निकालना है, तो इसमें सॉल्व कर लिया तो यू 10 आ जाता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का फार्मूला है ये, नहीं याद आता है तो व्हाट यू डू, पहले टाइम निकाल लो है ना, वाई वाले मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फार्मूला लगा के वाई इज इक्वल टू हाफ ए वाई टी स्क्वायर से टी इज इक्वल टू वाई बाई जी, और फिर एक्स इज इक्वल टू यू टी से मल्टीप्लाई कर दो, टी की वैल्यू पुट कर दो, यू दिया है एक्स आ जाएगा, एक्स दिया है तो यू आ जाएगा। ऑलराइट 35, तो इसमें दिया हुआ है ये डिच है बीच में 11.7 फीट की विद द अप्रोच ऑफ रोड्स एट एन एंगल 15 डिग्री, रोड्स के 15 डिग्री एंगल के साथ है आगे चल के डिच, ठीक है। विद व्हाट मिनिमम स्पीड शुड द मोटर बाइक बी मूविंग ऑन द रोड सो दैट सेफली क्रॉसेज द डिच, यहाँ पे जो मोटर बाइक आया तो यहाँ पे लैंड करना चाहिए, उसके दोनों व्हील आगे आने चाहिए, ठीक। तो उसकी बाइक की लेंथ भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, जितनी डिच है बाइक 5 फीट दी है वो भी इंक्लूड करनी पड़ेगी रेंज में, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला है। बस ये दोनों ऐड कर लो बाइक की, तो ये रेंज हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा, ये 15 दिया इंटू 2 भी है ना, तो साइन 30 की वैल्यू में पता रहती, सारी वैल्यूज नोन है, तो सॉल्व कर लो यू के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 32 फीट पर सेकेंड होगी तो जंप कर जाएगा सेफली। 37, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द क्लिफ 171 फीट हाई हैज़ टू थ्रो द पैकेट टू हिज फ्रेंड्स स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड दिस मच फीट हॉरिजॉन्टली अवे, इफ ही थ्रोज द पैकेट डायरेक्टली एमिंग टू हिज फ्रेंड विद द स्पीड 15, हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल। देखो ऐसे उसने ऐसे ही फेंक दिया, ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, ठीक है, तो ग्रेविटी ने उसको नीचे खींचेगी तो यहाँ कहीं पे आके हिट करेगा है ना, उसने क्या किया ऐसे प्रोजेक्ट किया। ऑलराइट, और प्रोजेक्ट कैसा करना चाहिए, थोड़ा ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया था उसने बट टर्न हो गई वो आगे जाके ग्रेविटी की वजह से, राइट। तो ये यहाँ पे हिट करेगी, तो कितना कितना डिस्टेंस पहले, हाउ शॉर्ट विल द पॉकेट, हाउ मच ये डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें देखो ऐसे फेंका 15 से, इसके दो कंपोनेंट ये वाला और ये वाला, वर्टिकल कंपोनेंट से हम टाइम निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आगे जाके उसने हिट किया वो निकाल सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए एंगल दिया हुआ है इनडायरेक्टली 171 है ये डिस्टेंस, ये तो 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से 3/4 आ गया, विच गिव्स अस द एंगल 37 डिग्री, तो ये 37 है तो ये ऊपर से 37 ऐसे आएगा, तो हमने हॉरिजॉन्टल से 37 पे फेंकी तो उसका ये वाला कंपोनेंट कॉस आएगा, ये वाला कंपोनेंट साइन आएगा, बिकॉज एंगल के साथ का कंपोनेंट कॉस आता है, तो ये 15 cos 37, तो ये वाली तुम्हारी जो आएगी 15 cos 37, cos 37 इज 0.8, तो ये 12 आ जाएगा 12 feet per second, और ये वाला कंपोनेंट जो है 15 sin 37, 0.6 होता था तो 0.6 into 15 9 फीट आ जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट 9 feet per second, ठीक है। तो ये कंपोनेंट मिल गए हमें, तो नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज हियर, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो y डिस्टेंस नीचे की डायरेक्शन प्लस ली है अभी हमने, सभी प्लस आ जाएंगे फिर, तो 171 यू वाई अभी हमने निकाला ये 9 फीट है,
पर सेकेंड, तो टी प्लस 16 ए वाई जो है फीट में कितना होता है 32 फीट पर सेकेंड, तो उसका आधा हो जाएगा, 2 भी है 1/2 है इसलिए 16 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व किया, टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4ac वाला फार्मूला लगा के बाई 2a। ठीक है, तो ये सॉल्व करने से 3 आता है, ये 3 सेकेंड्स बस। तो ओरिजिनल डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिनल कंपोनेंट 12 आया है, ओके, तो 12 × 3 36 फीट, 36 फीट पे जाके गिर रही। तो टोटल कितनी थी अपनी 238 में से 36 ये 36 है माइनस कर दिया तो 192 फीट पहले गिर गई। ठीक है, ये डिस्टेंस नॉट टू द स्केल है, एक्चुअल में ये बहुत पहले ऐसे ही गिर जाएगी, वो यहाँ से चलेगी ऐसे गिर जाएगी, तो ये 32 आएगा और ये वाली 192 फीट बिफोर। 38 क्वेश्चन देखते हैं, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द फ्लोर विद द स्पीड दिस मच एट एंगल दिस मच एंड विल इट हिट द वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे एंड 22 मीटर। तो पहले तो हम उसकी रेंज निकाल लेते हैं गिवन कंडीशन से, ये सारी वैल्यूज दी हैं तो रेंज आ गई 11.2। तो वॉल अगर 5 मीटर ही दूर है तो हिट करेगी इसको जाके, और अगर 22 है तो नो, पहले गिरेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, इफ़ द वॉल इज विल आंसर चेंज यस इट विल नॉट हिट, तो दोनों का यस इट विल नॉट हिट, आंसर विल चेंज यस इट चेंज यस इट चेंज यस आंसर विल चेंज। ऑलराइट, नहीं हिट करेगी ये मतलब है। 39 देखते, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट्स इट क्रॉसेस द हाफ द मैक्सिमम हाइट इट इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड यू एंड एंगल थीटा। देखो ये मैक्सिमम हाइट का आधा है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट इतना है ना, और ये कांस्टेंट रहता है अपने जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो रहती है हाँ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया और कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल हो रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी फॉर दीज टू पाथ विल बी यू कॉस थीटा ओनली, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही जो रहेगा, बिकॉज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल ही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट कंपोनेंट है, तो इसीलिए इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ यू कॉस थीटा। एंड अगर सपोज यहाँ कहीं पर दिया होता पॉइंट, तो फिर हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता और ये टाइम निकालना पड़ता इतना, मतलब डिस्प्लेसमेंट ये और टाइम भी निकालना पड़ता, पहले एक्स निकालना पड़ता फिर वाई निकालना पड़ता, तो फिर हमें वो होता है, बट ये हॉरिजॉन्टल लेवल के दोनों पॉइंट्स हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है दीज टू पॉइंट्स के बीच में एंड इट इज़ ट्रेवल्ड बाय द हॉरिजॉन्टल कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वही एवरेज रहेगा तुम्हारा। यू कैन चेक इट फॉर दीज टू पॉइंट, यहाँ से यहाँ का निकाल सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2, टाइम टेकन इज हाउ मच, एवरेज वेलोसिटी का क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 2 यू साइन थीटा बाय जी, इसमें भी जी आता है नीचे, इसमें भी जी रहेगा, तो ये जी इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यू इससे कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा से, तो यू यू कॉस थीटा आ गया। देखो पूरे फुल रेंज का मैं चेक कर रहा था, उसमें भी सेम सिचुएशन है फुल रेंज के लिए।
bomb is dropped from the plane flying horizontally with uniform speed show that bomb will explode vertically below the plane. Is the statement true if plane flies with the uniform speed but not horizontally? तो देखो पहले तो ये है, इसमें जब यहाँ से बम छोड़ा तो ऐसे आएगा और ये ऐसे जा रहा है, तो ओरिजिनल कंपोनेंट दोनों के इक्वल है। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये ग्राउंड में पहुँच के एक्सप्लोड हो जाएगा, है ना। और जब एरोप्लेन ऐसे जा रहा था तभी भी उसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेंगे दोनों के, प्लेन के और इसके, दे विल बी सेम। तो इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर सेम तो बोथ विल कवर सेम हॉरिजॉन्टल सेम डिस्टेंस एंड सेम टाइम, है ना। तो इट विल रिमेन वर्टिकली बिलो। तो आंसर इज यस। ओके that's all।